शहीदों के परिवार वालों का दर्द थोड़ा हल्का हुआ, तो आइए आपको समझाते हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने ये हमला किया। शिव अरूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो कि बहुत बारीकी से रक्षा मामलों को देखते हैं, समझते हैं, सूझबूझ रखते हैं। शिव हमें बताएंगे सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर कैसे शिव हम लोगों ने ये तैयारी की, कैसे रात के पहर में 3:30 बजे सरप्राइज एलिमेंट के साथ इन 3 ठिकानों पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी हमलों पर हमने धावा बोला। ये हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग एयरबेस से हमने शुरुआत की। अंजना, ये जो मिराज 2000 के जो स्क्वाड्रन्स हैं ये ग्वालियर में बेस्ड है अभी, और इस ऑपरेशन के लिए पुलवामा के बाद जब क्लियरेंस मिला था गवर्नमेंट से कि एयर स्ट्राइक अप्लाई होंगे, एटलीस्ट 12 मिराज 2000 पंजाब के आदमपुर एयरबेस में डिटैच हुए थे। इसका मतलब है कि वो बेस से फॉरवर्ड डिप्लॉय हुए थे आदमपुर में, जो काफ़ी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। वहाँ से आज कल रात को ये ऑपरेशन एक्टिवेट हुआ था, जब एक मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर आगरा से टेक ऑफ हुआ था, एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ हुआ था, और उस एयरक्राफ्ट ने ये मिराज फाइटर्स को गाइड किया था बालाकोट की तरफ, और बालाकोट लगभग 400 किलोमीटर्स की दूरी आदमपुर से था। वहाँ जाकर 21 मिनट का ऑपरेशन था अंजना, जिसमें ये जो मिराज फाइटर्स थे ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, इजरायली लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स डिप्लॉय किए थे। मेरा इन्फॉर्मेशन ये है कि वो पूरा ऑपरेशन जो था फॉरेन एयर स्पेस में पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम 6 या 7 मिनट का था, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स भी एक्टिवेट हुए थे जब वो रेडार वार्निंग मिल गया था ग्राउंड पर। तो 21 मिनट्स फ्रॉम लॉन्च और 6 मिनट्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया था। जहां हम खड़े हैं इस वक्त एनिमेशन के जरिए, शिव, जो बात मुझे सबसे ज्यादा इस वक्त महत्वपूर्ण लग रही है वो ये कि मुजफ्फराबाद और चकोटी तो चलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, बालाकोट तो पाकिस्तान की सरहद के अंदर था, और आतंकी मसूद अजहर ने कांधार हमले में छोड़े जाने के बाद सबसे पहला ट्रेनिंग कैंप इसी बालाकोट में शुरू किया था। वहां पर हमला न सिर्फ एक बहुत बड़ी चोट है बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी आप देखिए तो हमने मतलब बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचाया है जैश। एब्सोल्युटली, ये एक ऐतिहासिक मिशन था एट एवरी लेवल अंजना, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, और जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं था, ये सॉवरेन पाकिस्तानी टेरिटरी पे था, बालाकोट बिल्कुल उनके टेरिटरी पे। और बालाकोट एक प्रोटेक्टेड जगह है, ऐसे नहीं है कि ये एक बहुत ऑब्स्क्योर जगह है या एक जंगल में है, ये एक प्रोटेक्टेड जगह है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जैश ए मोहम्मद के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक मदरसा है, एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है, और काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं जो डैमेज हुए हैं इस स्ट्राइक में, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक वीक टारगेट बिल्कुल भी नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग टारगेट था जहां पे एक रेडार फैसिलिटी भी नजदीक था, और इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स भी एक्टिवेट हुए थे जब इंडिया के मिराजेस वहां पे नजदीक हुए थे। लेकिन कुछ कर पाते उससे पहले, एक सफल ऑपरेशन के बाद हमारे मिराज विमान वहां से लौट गए, तो ये मिराज विमान आखिर है क्या, अब वो आपको बताते हैं। शिव, आप तो तेजस भी खुद उड़ा चुके हैं, तो आपकी नजर से जरा समझे कि मिराज 2000 आखिर कितना कैपेबल विमान है, कितना शक्तिशाली विमान है। अंजना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आज के मिशन के पहले 20 साल पहले जब कारगिल वॉर हुआ था, वो लास्ट ओकेजन था जब ये मिराज युद्ध में परफॉर्म किए थे। एब्सोल्युटली, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम दिखा रहे हैं कि मल्टी रोल फाइटर प्लेन है, डबल इंजन है, जी लंबाई ये सिंगल इंजन फाइटर है, ये फ्रेंच फाइटर है, और मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये मिराज जो है फ्रेंच फाइटर है, डैसो एविएशन बनाता है, और ये रफाल का प्रीडिसेसर है, मतलब रफाल के पहले ये था और बिल्कुल, इसके बाद जब बिल्कुल, प्रोग्रेस हुआ तो रफाल बनाया गया, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसका देश इंतजार कर रहा है, और राजनीति जो सितंबर में आएंगे, और ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कारगिल में प्रिसीजन स्ट्राइक्स और प्रिसीजन बॉम्बिंग किया था, और ये जो फाइटर्स हैं फ्रांस ने बनाया है, हमने राजीव गांधी के गवर्नमेंट के में प्रोक्योर किया था, और अभी अपग्रेड भी हो रहे हैं, इसका मतलब
एयर टू एयर मिशंस और एयर टू ग्राउंड मिशंस भी कर सकते हैं एक सिंगल मिशन। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड भी कितना लगभग गोला बारूद इनमें ढोया जा सकता है? काफी ज्यादा, आई थिंक कि 6,000 pounds ऑफ वेपनरी ये कैरी कर सकते हैं और काफी डिप्लॉय भी कर सकते हैं ये मिराजेस जो पाकिस्तान के एयर स्पेस। बिल्कुल 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से कहीं ज्यादा, और 2200। बिल्कुल, और रिमेम्बर कि ये इनका मिराज 2000 का रेंज काफी ज्यादा है और मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट आगरा से भी एयर स्पेस में था। इसका मतलब है कि अगर जब ये पाकिस्तान में थे, अगर वो एंगेज हुए पाकिस्तान के JF-17 या F-16 से, अगर उनका फ्यूल काफ़ी कम हो गया था तो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तैयार था इंडियन एयर स्पेस में, ताकि अगर ये फ्यूल काफ़ी लो हो गया था तो वो रिफ्यूल कर सकते थे, ताकि अगर उसमें ईंधन अचानक कम हो जाए तो उसको फिर से ईंधन भरने के लिए, ईंधन पूर्ति के लिए वहाँ पर तमाम इंतज़ाम रखे गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मतलब जीरो लॉस, 100% एक्यूरेसी, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण। और जो वेपन इस्तेमाल हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ अंजना की, ये स्पाइस 2000 है जो इजरायली प्रिसिजन गाइडेड वेपन सिस्टम है जो मिड 2000 में अपग्रेडेशन के बाद हुआ था। नहीं नहीं, ये जो जहाज आज इस्तेमाल हुए थे वो अपग्रेडेड वाले मिराज नहीं थे। अभी तक हमारे पास 8 या 9 ही है अपग्रेडेड वाले मिराज 2000। ये पुराने वाले मिराज 2000 है और यही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मिराज 2000 पुराने सिस्टम्स में चल रहे थे कारगिल के टाइम में, और जिसके बाद नए एयरक्राफ्ट सर्विस में आ गए हैं जैसे कि सुखोई 30 और काफी अन्य एयरक्राफ्ट, फिर भी एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को चुना है क्योंकि ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है, इसमें ये प्रिसिजन वेपनरी का कैपेबिलिटी भी है और इसलिए इस एयरक्राफ्ट को चूज किया उसने। और जो आपने बताया था कि पिछली बार हमने प्रोक्योर किया था कांग्रेस की सरकार के वक्त, उसी समय ये मिराज आए थे। बिल्कुल, राजीव गांधी का गवर्नमेंट था मिड 80s में जब ये मिराज 2000 का प्रोक्योरमेंट हुआ था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया के पास बहुत मौके थे कि मिराज 2000 को लाइसेंस प्रोड्यूस करना इंडिया में, क्योंकि एयरफोर्स को बहुत मोहब्बत है इस एयरक्राफ्ट से क्योंकि वो बहुत रिलायबल है, मेंटेनेंस बहुत सिंपल है इस एयरक्राफ्ट में, पायलट्स बहुत प्यार करते हैं इस एयरक्राफ्ट को क्योंकि वो ऑटो पायलट बहुत इजी है, इजी टू फ्लाई, सेफ एयरक्राफ्ट है, सुरक्षित एयरक्राफ्ट है। पर राजीव गांधी का गवर्नमेंट, वाजपेयी का गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट, तीनों ने टर्न डाउन कर दिया ये जो ऑफर था फ्रांस से कि मिराज 2000 इंडिया में बने, और इसलिए अभी हम ये जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं रफाल के ऊपर, काफ़ी सोर्स वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई थी, ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब जरा एक बार उस हैरप ड्रोन के बारे में अगर आप बताएं जो इसराइल से हमने प्रोक्योर किया है, और क्या उनका इस्तेमाल, क्योंकि जानकारी ये आई कि उन्हें तैयार रखा गया था जी, लेकिन शायद इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये जो हैरप जो ड्रोन्स हैं वो एक ऑप्शन दिया गया था गवर्नमेंट को एयरफोर्स ने पुलवामा के बाद कि ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हैरप ड्रोन एक अंजना ये एक लॉयटरिंग म्यूनिशन है जिसका मतलब है कि वो लॉन्च होते हैं, वो एयर स्पेस में जाते हैं, पेनेट्रेट होते हैं और वो बहुत लो ऑब्जर्वेबल है, वो दिखते नहीं है रेडार पे, और वहां जाके वो टारगेट अक्वायर करते हैं, उनके पास सेंसर्स है, कैमरास है, वो खुद अक्वायर करके उस पे जाके एक्सप्लोड होते हैं। शिव क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया वो अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि मेरे असेसमेंट में इस ऑपरेशन के लिए ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस बहुत जरूरी थी और शायद एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया होगा कि वी नीड अ ह्यूमन, एक पायलट की जरूरत है, वी कांट, वो डिपेंडेंसी जो मशीन पे हो सकता है वो नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकते हैं, नहीं मोल ले सकते, बिल्कुल कोई भी रिस्क, कोलैटरल डैमेज अनएक्सेप्टेबल, कोलैटरल डैमेज एकदम अनएक्सेप्टेबल था, और इसीलिए कहा कि ना हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, ना हमने कहीं उनके सिविलियन ठिकानों पर हमला किया, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स थे क्या हमारे पास, मतलब जो बचपन में हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, क्या एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स थे इन आतंकी ठिकानों के जिनके जरिए हमने हमला किया? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिला है अंजना, ये कहता है कि ये काफ़ी प्रिसिजन बॉम्बिंग मिशन था हमारे पास, ना सिर्फ एरियल इंटेलिजेंस था कि ये एग्जैक्टली कहाँ था, सैटेलाइट मैपिंग, हेरन ड्रोन भी सर्वे किया था इस जगह को, बट ग्राउंड बेस्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस भी शायद था
इसका मतलब कि इंडिया के जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके जो ह्यूमन एसेट्स हैं ग्राउंड पे, शायद वो भी कंफर्म कर चुके थे कि यहाँ पे है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे ये टारगेट कंफर्म्ड है और यहाँ पे स्ट्राइक हो सकता है। आतंकी मसूद अजहर का तो पूरा खानदान, जिसका फैमिली बिजनेस है ये आतंकवाद का, वो यहीं पर इसी टेरर कैंप बालाकोट के जरिए ऑपरेट करता था। बिल्कुल, उसको बड़ा नुकसान, उसको बड़ा नुकसान, उनका ब्रदर इन लॉ यूसुफ गफ्फार, वो शायद इस अटैक में शायद इम्पैक्ट हुए हैं। और भी नाम हैं जो अभी तक गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया था, बट ये एक नर्व सेंटर था। बहावलपुर एक हेडक्वार्टर्स है जैश ए मोहम्मद का अंजना, और बालाकोट एक डिसेंट्रलाइज जोन है जहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग, जो रेडिकलाइजेशन जो होता है, वो जो मदरसा जो है ये बालाकोट में था, वो मदरसा और जिसके जरिए वो युवाओं को भड़काते हैं और शामिल करते हैं आतंकी संगठनों में, वो सब था। तो ये पूरी बड़ी तस्वीर हमने आपको बता दी है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने आतंकी हमले की प्लानिंग की। शिव अरूर हमारे सहयोगी हमारे साथ थे। एक बार अगर सरसरी निगाह से अब हम देखें शिव, तो सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में इसे वायुसेना के लिए किस तरह से याद किया जाए, और करगिल के वक्त भी वायुसेना ने कहा था कि हमें करने दीजिए इस तरह के एयर स्ट्राइक्स, इजाजत नहीं मिली थी, आज जाकर मिराज मकसद में कामयाब हुआ। देखिए अंजना, एयर चीफ मार्शल जो एयरफोर्स के वायुसेना के अध्यक्ष थे 2611 के टाइम में, एयर चीफ मार्शल फली मेजर, हमने अभी उनसे बात की थी और उनका कहना था कि जो अंतर है 2611 के बाद जो सिचुएशन था और इसका, वो है दो इम्पॉर्टेंट चीज। एक कि हमारे पास अभी एग्जैक्ट इंटेलिजेंस शायद था कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं प्रिसिजन, ये प्रिसिजन स्ट्राइक में, और दूसरा जो इवन मोर इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटिकल विल। उनका कहना है कि वो जो पूरा बैकिंग था गवर्नमेंट का कि एयरफोर्स का ऑप्शन जो दिया गया है वो इंप्लीमेंट हो जाए, और इसलिए ये मिशन हुआ। राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसके बिना सेना के लिए ऐसी कार्रवाई कर पाना मुमकिन नहीं था, और इसीलिए जो सबसे बड़ा आका जिसे कहा जाता है आतंकी मसूद अजहर, उसके गिरोह तक पहुंचने में हम ये बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए हैं, और इसीलिए मसूद अजहर की हिस्ट्री पूरी, उसका इतिहास हम बता रहे हैं शिव। बिल्कुल, और मसूद अजहर जो है वो अभी बहावलपुर में बेस्ड है। मसूद अजहर का जो इंडिया कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। कांदाहार हाईजैक के बाद वो एक्सचेंज प्रोग्राम में वो वापस गए थे। 2001 के पार्लियामेंट अटैक वो उन्होंने लीड किया था, पठानकोट अटैक, काफ़ी सारे लोअर लेवल अटैक्स भी किए थे, पुलवामा अटैक भी जैश ए मोहम्मद का ही था। आज कम से कम हम उसकी कमर तोड़ने में कामयाब रहे हैं काफ़ी हद तक, और ये भी विश्व ने देख लिया है कि पाकिस्तान में आतंकी कैंप्स कैसे चल रहे हैं।